नमस्कार, बाप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत हुई खत्म। आज केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा, शराब घोटाला मामले में केजरीवाल कोर्ट में कर सकते हैं बड़ा खुलासा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिर बोला अमेरिका, वन निष्पक्ष पारदर्शी समयबद्ध कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं और हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए। भारत ने वर्ष अमेरिकी राजनयिक को बुलाकर जताई थी नाराजगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल। दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 संसदीय सीटों पर 26 अप्रैल को होना है मतदान। इरोड से सांसद और एमडीएम के नेता ए गणेश मूर्ति का हुआ निधन। टिकट नहीं मिलने पर रविवार को खाया था जहर। कोयम्बटूर के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों के साथ भी लिस्ट। नवनीत राणा को अमरावती से बनाया गया उम्मीदवार। बुधवार को ही भाजपा में शामिल हुई थी नवनीत राणा। कांग्रेस ने जारी की 14 उम्मीदवारों की लिस्ट। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देंगे यादवेंद्र सिंह। आईएलओ की रिपोर्ट में खुलासा, भारत में 83% युवा बेरोजगार। तेजी से घट रही है लोगों की इनकम। 2012 की तुलना में मोदी सरकार में युवा बेरोजगारी 3 गुना हुई कम। सदगुरु जग्गी वासुदेव को अस्पताल से मिली छुट्टी। सदगुरु को मस्तिष्क में रक्तस्राव के इलाज के लिए 17 मार्च को सर्जरी की गई थी। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं जग्गी वासुदेव। आईपीएल 2024 के एक हाई वोल्टेज मैच में हैदराबाद ने मुंबई को 31 रनों से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद की पहली जीत, मुंबई की लगातार दूसरी हार। मुंबई इंडियंस के मैच में तूफानी बल्लेबाजी का नजारा। मैच में टूटे गए रिकॉर्ड। दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने लगाए 38 छक्के, बनाए 523 रन। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।